कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चिया ब्लॉग्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। उसके बाद फिर मुझे पापड़ भी बनाने हैं आज थोड़े। कल भी बनाए थे, कल भी थोड़े बहुत बनाए थे। कल चिप्स बनाए हुए थे, वही मैंने धूप में डाले थे। और परसों भी बनाए थे पापड़, तो थोड़े बहुत और बनाने थे तो मैं बना लेती हूँ। तो पहले मैं अभी खाना वाना बना लूंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी ऊपर छत में पापड़ बनाने के लिए। तो अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च और आलू काट के रख लिए थे और यहाँ पे मैं अभी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज तेल में फ्राई कर रही थी, उसी में मैं अभी मसाले ऐड करूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाने रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्चा और हल्दी, धनिया, ये सब मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे अभी मैं आलू शिमला मिर्ची की अब सब्जी बनाऊँगी। ऑयल में मैं थोड़ा प्याज टमाटर थोड़ा कम ही फ्राई करती हूँ, उसके बाद जब सब्जी बन जाती है उसके बाद ही मैं थोड़ा ज़्यादा इनको फ्राई करती हूँ, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो मैं हमेशा ऐसी ही बनाती हूँ। और तो इसमें मैंने सब्ज़ी जो मैंने काटी हुई थी शिमला मिर्च आलू, वो मैंने इसमें अभी ऐड कर दिए थे और अभी मैं इसको बनने रख दूँगी। इसको मैंने एक बार अच्छे से चला लिया और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि पक जाए सब्ज़ी हमारी। तो फ्रेंड्स, अभी छत में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने ये पापड़ सूखने रख दिए हैं और ये चिप्स देखिए सब काले पड़ गए। ये देखिए आधे चिप्स तो सब काले ही पड़ गए, इसलिए अब मैं चिप्स नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ पापड़ ही बनाऊंगी। हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ। आ चुके हो? हाफ डे था आज, तो खुश हो गए? हाँ, भी आया था। अच्छा, पिकांस आया था। क्या कह रहा था? कुछ अच्छा, आओ चेंज करा दो। तो रौनक के लिए मैंने यहाँ पे ये फ्रूट्स काटे हुए हैं, उसी को मैंने दे दिए थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू छिलने लग गई थी, इसी के अभी मैं पापड़ बनाऊंगी। तो रौनक भी यहाँ पे बैठ गया था, मेरी हेल्प करा रहा था। मैंने कहा मैं कर लूँगी, आप मत करो। तो वो बोला था मैं भी छिलूँगा आलू, तो उसको यहाँ पे मजे आ रहे थे आलू छिलने में, तो वो मेरी हेल्प कराने में लगा था यहाँ पर। तो रौनक भी यहाँ पे आलू मेरे साथ छिला रहा था और बातें भी कर रहा था मुझसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले भी पापड़ बनाए थे, तो अभी आलू थोड़े मैंने यहाँ पे कमी बॉईल किया है, क्योंकि पहले भी मैं पापड़ बना चुकी थी यहाँ पर। तो रौनक से मैं कह रही थी कि तुम जाओ, वो बोल रहा था कि मम्मा कद्दूकस भी मैं ही करूँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, हाथ है तो उससे कट सकता है, तुम मत करो। तो उसको मैंने भेज दिया था। और यहाँ पर अभी मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। सारे आलू मैंने छिल दिए हैं यहाँ पर, एक दो रौनक ने भी छिलाए हैं मेरे साथ। तो बोला था कि कद्दूकस भी मैं करूँगा, बहुत जिद कर रहा था, तो मैंने उसको करने नहीं दिया, क्योंकि हाथ है तो उसका कट भी सकता था, इसी वजह से मैंने कर दिया। तो मैं सारे आलू को अभी कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड करके फिर पापड़ बनाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू अभी कद्दूकस कर रही हूँ और इतने मैंने कर लिए यहाँ पर, और थोड़े और रह गए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ। लगभग बस हो ही गए हैं, थोड़े से बचे हैं, तो वो भी मैंने कद्दूकस कर लिए थे। और यहाँ पे सारे आलू मैंने कद्दूकस कर चुकी हूँ, तो इनमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। पहले वाले जो मैंने पापड़ बनाए थे उसमें मैंने जीरा और हींग ऐड नहीं की थी, तो इस वाले पापड़ में मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि पापा जीरा वगैरह खाते नहीं हैं तो उनको पसंद नहीं है। तो उसमें वो वाले जो मैंने पापड़ बनाए थे उनमें ऐड नहीं किया था इसी वजह से। तो ये जो मैं पापड़ बना रही हूँ तभी इसमें मैं जीरा ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले मिला लिए हैं और अभी मैं आलू को जो मैंने कद्दूकस किए हुए थे उसी को मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसे मिक्स करने से क्या होता है ना कि अच्छे से बन जाते हैं पापड़, तो तभी मैंने थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अभी पापड़ बनाने जा रही हूँ मैं और बहुत तेज की धूप है, हालत खराब होने वाली, इतनी भयंकर धूप है। देखिए, पापड़ पापड़ भी कर रहा।
फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं पापड़ बनाने जा रही हूँ और रौनक वहाँ पे पापड़ों के साथ खेल कर रहा था, तो वो मैंने सोचा कि तोड़ देगा इसलिए मैंने उसको मना किया। और यहाँ पे मैंने आज मशीन लाई हूँ पापड़ वाली, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है और धूप में हालत ख़राब हो जाती है पापड़ बनाते बनाते, इसलिए आज मैं मशीन का यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं ऐसी ट्रिक लगा रही हूँ कि जल्दी से जो है पापड़ बन जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, धूप में हालत ख़राब हो जाती है धूप में, तो इसलिए आज मैं मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई थी धूप में उस दिन पापड़, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज ऐसी बना के देखती हूँ, हो सकता है कि जल्दी बन जाए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, इसी वजह से फिर मैंने ये ट्रिक अपनाई। और सही में बन भी जल्दी रहे थे ऐसे पापड़, ऐसे अगर मैं मशीन लाए रहती तो उससे तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से जो धूप लगती वो अलग। तो ऐसे मैं फटाफट फटाफट बनाते जा रही थी पापड़, और जैसे आटे के लिए हम लोग लोई बनाते हैं वैसे ही मैंने हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के जो है आलू को ले लिया था, क्योंकि आलू ऐसे बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं हाथों में, तो ऐसे चिपकते नहीं है ऑयल लगा के, तो इनको मैंने हाथ में ऑयल लगा के थोड़ा सा यहाँ पे लोई टाइप के बना लिए थे आलू के, तो उसी को लोई टाइप की बना के मैंने सब इधर उधर रख दिए थे, और फिर पापड़ में बनाती जा रही थी एक के बाद एक, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी बन जा रहे थे। और ये भी यहाँ पे पेड़ पौधे में पानी डाल देते ताकि सूख ना जाए। रौनक भी ऊपर आ गया था, उसको मैं बोल रही थी धूप में मत घूमूं, तो यहाँ पे पापड़ बन के रेडी हो चुके हैं, बस सुखाने बाकी रह गए। तो फ्रेंड्स पापड़ मैंने बना ली है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थोड़ी देर और रुकती तो मेरा पापड़ बन जाता, इसलिए मैं जल्दी से आ गई नीचे अभी। और यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और ये है पापड़ जो मैंने परसों बनाए हुए थे, वही आलू के पापड़ है। ये लोग पेड़ों में पानी दे रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भी रौनक के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ और उसमें मैं भी ये अखरोट और ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, काजू किशमिश और बादाम अखरोट यही सब, तो ये फ़ायदा भी करता है बच्चों को, थोड़ा विटामिन मिल जाते हैं इससे बच्चों को, तो यही मैं इसमें दूध में डाल के रौनक को दे दूँगी। विटामिन ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, तो दूध के साथ अगर ये दे दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चों को। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है और उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे दूध अभी बॉईल हो रहा है और अभी इसे थोड़ी देर में अच्छे से पका दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं मिक्सी में हरे धनिए की चटनी बना रही हूँ और चटनी भी बन के रेडी हो गई है यहाँ पर, तो मुझे आलू पापड़ी बनानी थी उसी के लिए मैं चटनी पहले रेडी कर रही थी, तो चटनी भी बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है, हरे धनिए की मैंने यहाँ पे चटनी बनाई है। और तो थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे किचन समेट लूँगी, यहाँ पे बर्तन जो मैंने धोए थे वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने आलू पापड़ी के लिए आलू बॉयल करने रखे थे कुकर में, तो वो बॉयल हो गए थे, तो तब तक फिर मैंने सोचा तब तक कुकर ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा देती हूँ, तो वही मैं तो यहाँ पे कुकर के भी अभी भाप निकल चुकी है, तो यहाँ पे अभी मैं आलू को छील लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आलू मैंने छील लिए और अभी मैं इनको काट रही हूँ, इसमें नए पुराने दोनों आलू थे, तो थोड़े जो नए आलू थे शायद तो वही पके नहीं थे, एक तो पके हुए नहीं थे थोड़े और सब पक गए थे, तो उसी को मैं जितना कच्चा हिस्सा था वो मैंने यहाँ पे हटा दिया था और बाकी आलू सब पके हुए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे पहले काट रही हूँ। आलू के यहाँ पे छोटे छोटे मैं पहले पीस कर लूँगी और जो यहाँ पे मैंने अभी चटनी बनाई हुई थी वही मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, हरे धनिए की चटनी, और इसमें मैंने कागजी नींबू इसमें ऐड कर दिया है, ये नींबू ऊपर ही से मैं लाई थी छत से, पेड़ में लगाया था तो वहीं से मैं लेकर आई थी, तो बहुत अच्छी लगती है आलू पापड़ी। और
इसमें और चीज़ें भी ऐड होती है, टमाटर प्याज और मटर वगैरह, लेकिन मैं ऐसे सिंपल बना रही हूँ, सिंपल भी खाया जाता है तो वैसे ही मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो पस्ता नहीं है चना ना, तो ऐसे ही बनाऊँ तो ऐसे ज़्यादातर नुकसान नहीं करती है। और इसमें मैंने पापड़ी दी है, तो अभी मैं सब लोगों को दे दूँगी आलू पापड़ी। तो फ्रेंड्स, किचन थोड़ा बिखरा पड़ा था तो वही मैंने यहाँ पे अभी समेट लिया है, और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे। मतलब फैमिली में अगर कितने लोग भी हो या कम हो ज़्यादा हो, अगर दो दो ही लोग हो तो तब भी बर्तन इतने हो जाते हैं कि पूछो मत, भर भर बर्तन पैदा ही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और हम लोग अभी मार्केट आए हुए हैं, और रौनक खड़ा स्कूटी के आगे, और हम लोग अभी मार्केट पहुँच ही गए लगभग। तो हम लोग अभी यहाँ गए टिक्की की शॉप पे, तो वहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे खा रहे हैं टिक्की, और अभी हम लोग आ गए सिटी कार्ट पे। तो यहाँ पे रौनक को पेंसिल बॉक्स लेना था, तो रौनक यहाँ पे अपने लिए पेंसिल बॉक्स देख रहा है, और बहुत टाइम लगाता है ये लड़का, बहुत टाइम लगाता है, इसको तो पता नहीं कहाँ क्या पसंद आ जाए, कभी बोलते हैं मम्मा ये अच्छा लग रहा है, कभी बोलते हैं मम्मा वो अच्छा लग रहा है। तो थैंक गॉड इसको कोई तो पसंद आया, ये वाला पसंद आया था, लेकिन इसने फिर बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, फिर ये करने में लगा था, तो कोई उसको फिर दूसरा कोई पसंद आ गया था। बॉक्स ले लिया था, और अभी हम लोग इधर आ गए थे, रौनक को पानी की बोतल भी चाहिए थी स्कूल के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे थे कि कौन सी ले। तो यहाँ पे इनको ये वाली अच्छी लग रही थी, रौनक भी बोला था अच्छी लग रही है, लेकिन उसको स्पाइडरमैन वाली अच्छी लग रही थी, तो हमने बोला वो छोटी बॉटल है उसमें पानी ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये वाली अच्छी लग रही थी, तो रौनक भी बोला था कि हाँ मम्मा ये वाली ले लो अच्छी लग रही। तो ये लोग यहाँ पे पानी की बॉटल देख रहे हैं, और मैंने बोला था कि वही ऑरेंज वाली ले लो वो अच्छी लग रही है, तो ये वाली बॉटल हमको पसंद आई थी, तो ये वाली बॉटल हमने ले ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, तो थोड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पे मार्केट पे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे तो धूप ही रहती है, तो इतना अच्छा नहीं लगता है, शाम को थोड़ी धूप चली जाती है, तो अभी गर्मियों में शाम के टाइम पे अच्छा लगता है मार्केट पे, तो हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में शाम को जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को। फ्रेंड्स, लोग मार्केट गए हुए थे, तो अभी मार्केट से आए और थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो छत में पापड़ उठाने के लिए हम लोग गए थे, तो देखा कि आधे पापड़ टूटे हुए हैं और किसी ने खाए हुए थे, तो समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे टूट गए एकदम से, क्योंकि मैंने तो सभी पापड़ सही बनाए हुए थे। तो फिर कैमरे में देखा अभी इनके मोबाइल में, तो उसमें गिलहरी और कोई चिड़ियाँ आए हुए थे, उन्हीं लोगों ने पापड़ खाए, तो पता चल गया था, लेकिन थोड़े बहुत मेरे पापड़ बेकार हो गए हैं, इतनी धूप में मेहनत से बनाए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और चिप्स भी जो मैंने बनाए थे वो भी थोड़े काले पड़ गए थे, तो बहुत मेहनत लगी थी बनाने में, तो आधे बेकार ही हो गए, काले पड़ गए थे इसी वजह से। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पर वो पापड़ खा रहे थे, वो आपको मैं वो वीडियो दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग मार्केट गए थे, तो उसके बाद का ये सीसीटीवी फुटेज है,
तो उस टाइम यहाँ पे गिलहरियाँ आई थी, और पहले तो एक ही आई थी, उसके बाद फिर दो तीन गिलहरियाँ और आई थी, और यहाँ पे बड़े मज़े से डांस कर कर के लोग खा रही थी। और अभी इस दो तीन गिलहरियाँ और आ गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके मोबाइल से मैंने अपने कैमरे से शूट किया, अपने मोबाइल के कैमरे से, तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि गिलहरी आई हुई है। अभी दो तीन गिलहरियाँ और आई थी, अभी देखना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर से भी टूटा हुआ है, यहाँ पर से खाए हुए, क्योंकि मैंने कोई भी पापड़ जो जितने भी बनाए थे मैंने कोई भी टूटे हुए नहीं बनाए थे बिल्कुल भी, और ये यहाँ पर से खाए हुए हैं, तो ये सब बेकार ही हो गए क्योंकि इनको कोई अब खाएगा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये भी जो जो टूटे पापड़ है ये सब मैं हटा दूंगी, इनको अब मैं नहीं रखूंगी क्योंकि ये सब गिलहरी और ये पक्षियों ने खाए हुए है, तो ये सब बेकार ही हो गए अब। ये देखिए, और चार पांच पापड़ तो हम लोगों ने वहीं ऊपर हटा दिए थे क्योंकि वो सब बेकार हो गए थे यहाँ पर इसी वजह से, और थोड़े बहुत इसी में अभी हमने फिर से देखा तो ये सब और बाकी टूटे हुए थे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने थोड़े बहुत पापड़ टूटे हुए हैं, और जो है ये मैं ये सब हटा दूंगी। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर जो है यहाँ पे मैंने सूखने के लिए रख दिया है क्योंकि इधर खाली रहता है और यहाँ पे फैन है तो इससे सूखते रहेगा रात भर में, जो ठीक ठाक पापड़ है वो सब सुखा लेंगे, और जो ये बेकार हो गए ये सब हटा दूंगी मैं, कोई गाय आएगी उसको मैं खिला दूंगी। चलिए इधर चलते, इधर देखिए आप, आधे पापड़ ये सब काले हो गए, पापड़ सॉरी चिप्स, ये सब चिप्स आधे काले हो गए हैं, ये देखिए आधे काले हो गए, आधे तो मैंने बहुत सारे हटा दिए थे, बाकी ये सब बेकार ही है। और ये जो पापड़ है ये तो सब सूख गए हैं, ये सही है। और कल भी थोड़े बहुत, जब मैंने परसों मैंने बनाए थे तो परसों भी ये देखिए जो पापड़ ये है ये भी खाए हुए थे, तो उस टाइम में से दो तीन पापड़ टूटे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि ये शायद मुझे से टूटे होंगे, लेकिन ये सब ये भी खाए हुए हैं, ये भी बेकार बेकार ही है। तो ये देख सकते हैं ये भी बेकार है, ये देखिए टूटे हैं, मैंने ज्यादातर टूटे हुए नहीं बनाए थे, सब सही बनाए थे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे गिलहरी लोगों ने जो है पापड़ बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी जानवर है, क्या कर सकते हैं। और तो अभी आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये आया यहाँ पे रौनक का फ्रेंड, नाम भी बता दो नाम तो बताए, रजत है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? रजत। हाँ, रजत है इसका नाम, और ये रौनक के साथ यहाँ पे हमेशा खेलने के लिए आता रहता है, और जब देखता है कि रौनक स्कूल से आगे एकदम बहुत दौड़ दौड़ के आता है कि मैं रौनक के साथ खेलूंगा। एक किशन पे डब दूंगा मैं और रजत। हाँ, ये तो ये जा रहा है अभी खेलने के लिए। और स्कूल जाते हो? हाँ? स्कूल जाते हो? दिन भर तो यही दिखते हो। नहीं जाते हैं। अभी नहीं जाता है स्कूल, अभी छोटा है ना। कितने साल के हो? 3 साल के। 3 साल का है, अच्छा चलो गुड बॉय। रुको, और रौनक ये अपना लाया है बॉक्स और ये बॉटल लेकर आया है, तो ये रजत को दिखा रहा था कि मैं ये लेकर आया हूँ। ये भी खुलता है, ये तो शीशा है, ये पे शीशा भी लगा है, ये शीशा तो लगा।
ये लो बेटा। नहीं अभी बॉटल को मैं एक बार धोऊंगी, उसके बाद फिर इसमें पानी भरूंगी। और तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।